हम सब की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा होता ही है जो हमारी लाइफ की कमियां खोजने, हमारी लाइफ में क्या ख़राब हुआ है ये खोजने में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनकी अपनी लाइफ में कितनी खुशियां इस पे वो ध्यान ही नहीं दे पाते, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या कमियां हैं उसको छुपाने के लिए दूसरों की लाइफ की एक छोटी सी कमी खोज करके वो खुश हो लेते हैं। हेलो नमस्ते, माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग है मेरे हस्बैंड की बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। हालांकि मेरा घर देख करके आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊंगी, और सही बात भी है क्योंकि अभी ये मकान है, अभी इस मकान को घर बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। सारा सामान डंप हो गया है, इतने सारे गत्ते पैक होकर के डंप किए गए हैं कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस साइड से काम शुरू करूँ, और जब गत्ते खोलूँगी तो पूरा भर जाएगा। लेकिन दिमाग में ये भी है कि आज हस्बैंड का बर्थडे है तो बर्थडे में इन सब चीज़ों को थोड़े दिन के लिए पॉज कर देते हैं, एटलीस्ट वो दिन तो इन्जॉय किया जाए जिस दिन हम हैं। और रचित वैसे ही बहुत एक्साइटेड है अपने पापा के बर्थडे को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि घर में सारा फर्नीचर मैंने खुलवा के लगवा लिया है, बट हर कोने में गत्ते पैक रखे हुए हैं हर जगह पे, और इसको खोलना इतना आसान टास्क नहीं है क्योंकि पैकिंग मैंने नहीं की है। इस बार पैकर ने पैक किया है तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने सिर्फ नंबरिंग डलवा दिया था, मुझे कुछ नहीं पता कि इस गत्ते में क्या है, तो मुझे सब खोलना पड़ेगा। सामान एग्जैक्टली मैंने जैसा सोचा था, ऑलमोस्ट हर चीज़ें उस जगह पे एडजस्ट हो गई। फिर बर्थडे के दिन हस्बैंड जो है उनको सरप्राइज़ देना था, लेकिन इसके चक्कर में अपना काम भी नहीं छोड़ सकती थी, रचित का एग्ज़ाम चल रहा, उसके लिए सैम्पल पेपर भी बनाना था, आप लोगों के हेल्थ से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उसके लिए भी वीडियो तैयार करनी थी, खासकर आई फ्लू से रिलेटेड वीडियो, तो उसका कंटेंट तैयार किया था। बहुत सारे लोग एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम की के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में पूरा रिसर्च करके, जितनी किताबें हैं मेरे पास सबको रिसर्च करके, और जो अप्लाइड टेस्टेड चीज़ें वो मैंने आज वीडियो बनाई उससे रिलेटेड। और मैंने हस्बैंड के लिए गिफ्ट ना ऑनलाइन पहले ही ऑर्डर कर दिया था। अमेज़ॉन से क्या होता है कि बिफ़ोर टाइम अगर आप ऑर्डर कर दो ना तो बर्थडे के दिन से पहले सारी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। गिफ्ट देने का मेरा पर्पज़ ये होता है कि जो चीज़ें साल भर में मैंने उनके मुंह से सुनी है कि काश ये होता, तो मैं YouTube का पैसा जमा ही करती हूँ सबको गिफ्ट देने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को। मेरा YouTube का पैसा सिर्फ इसमें ही खर्च होता है और मुझे वो अच्छा लगता है कि मेरे उस पैसे से मैंने किसी को थोड़ी सी भी खुशी दी। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड के पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं, सबके पास सब चीज़ें हैं, बट गिफ्ट देने से पहले ये सोचना होता है कि सामने वाले की ज़रूरत के अकॉर्डिंग दिया जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े मंगाए, इसके अलावा कपड़ों के अलावा मैंने उनके लिए डेली यूज़ के कुछ चीज़ें, यूटिलिटी आइटम्स मंगाई। और आजकल उन्होंने अपना चैनल शुरू किया है पोएट्री से रिलेटेड, काफ़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब का पूरा सेट मंगाया है वीडियो बनाने का। फिर इसके बाद मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, बट अगल बगल में घर पर भी काम और इधर भी काम, तो मैंने खाना तो बनाया है लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग बाहर चलेंगे खाने के लिए, क्योंकि सबको लेके जाना था, आसपास मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं उन सबको लेकर जाना था, फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो मैंने बोला कि आप ऐसा करिए दिन में फ्रेंड्स को टाइम दे दीजिए ताकि आप पूरा फ्रेंड वाला इन्वायरमेंट इन्जॉय कर पाइए, अपने पुराने फ्रेंड्स, उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए थे उन सबके साथ दिन में। ये लखनऊ में एक बहुत अच्छी जगह है बाटी चोखा, वहाँ पर वो गए थे, मुझे बहुत पसंद है वहाँ का खाना, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैंने उनको बताया, तो वो वहाँ चले गए और रात में हमने फैमिली गैदरिंग कर ली। तो दोनों मिक्स करने से क्या हुआ, उनको भी अपना पर्सनल टाइम मिल गया। बाकी मैं और रचित दिन भर तैयारी करते रहे छोटी छोटी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ आगे की ब्लॉग में। वैसे आप अपने हस्बैंड को बर्थडे में क्या देना प्रेफर करते हैं, क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है कि क्या दिया जाए? कई बार होता है ना, लेडीज़ को कुछ भी गिफ्ट करना बहुत आसान है क्योंकि लेडीज़ के लिए गिफ्ट के बड़े सारे ऑप्शन हैं, बट जेंट्स को गिफ्ट देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं और ऑलमोस्ट लगता है उनके पास तो सब चीज़ें हैं। हम लोग का तो गृहस्थी इतनी बड़ी होती है कि गृहस्थी से रिलेटेड चीज़ें भी हमें मिल जाए ना, जैसे मेरा फिक्स है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला हुआ कि मुझे बर्थडे में एनिवर्सरी में किचन या घर गृहस्थी से जुड़ी सामान ही दीजिएगा, तो उनका उनके लिए बहुत आसान है, बट मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ये चीज़ करना। तो बर्थडे पड़ा संडे को और संडे को डस्टिंग क्लीनिंग भी करना था, वो भी नहीं छोड़ सकते थे, तो रचित मेरी पूरी हेल्प करा रहा था। उसने बोला आज सारे मिरर्स कोलिन से मैं साफ़ करूँगा, बेडशीट्स मैं चेंज करूँगा, डस्टिंग कर देता हूँ, बाकी तुम चीज़ें चेंज कर देना।
तो वो उसी में लगा हुआ था और बहुत कायदे से करता है, मतलब वो देखता है ना कि मैं उसको बैठ के सिखाती नहीं कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो एग्जैक्टली वही करता है जो मैं करती हूँ। तो बच्चे यही करते हैं जो आप करते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा गाली बहुत देता है, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है क्या। एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी स्कूल में कोई भी टीचर बैठा के सिखाते नहीं है कि ये गाली दो, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। बच्चों की हियरिंग प्रॉब्लम, हियरिंग जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, तो जो दिन भर वो सुनते हैं, अगर घर वाले इंटेंशनली नहीं बोलते, ऐसे मुँह से निकल जाता है मोस्टली जेंट्स के मुँह से, तो वो गाली वो याद हो जाती है उन्हें, उसका मतलब भले ना पता उस चीज़ को याद कर लेते हैं। तो रचित और रचित के पापा को मैंने मैचिंग बाथरोब दिया। अब रचित के पापा के लिए मंगाया तो मैंने सोचा रचित को भी दे दूं, तो वो लोग फोटो सेशन कराए थे, उसके बाद रचित अपने पापा के लिए कार्ड बनाया और उसने अपनी सेविंग से 10-10 रुपए की सेविंग से उसने मुझसे ऑनलाइन अपने पापा के लिए किताब ऑर्डर करवाया। किताब भी उसने खुद सेलेक्ट की कि पापा को ये वाले टॉपिक किताब बहुत पढ़ते हुए देखा है, और फिर किताब के अंदर वाले पेज पर वो पापा के लिए मैसेज लिख रहा था, और उस नहा धो करके ये पूजा कर रहे थे बर्थडे के दिन, तो ये हुआ कि घर का कोई बड़ा टीका लगाता है, अब घर में अभी कोई बड़े तो है नहीं, तो फिर टीका कौन लगाएगा बर्थडे के दिन। तो उसका सॉल्यूशन देखिए हमने क्या निकाला, और रचित ने बाद में मैसेज लिखने के बाद 7 कलर के रेनबो कलर वाला हार्ट भी बनाया अपने पापा के लिए। तो उसने पापा को बर्थडे विश किया, पापा से मैचिंग लगा के टी शर्ट पहन लिया, भले ही स्कूल के हाउस कलर का टी शर्ट पहना बट उसको पापा के मैचिंग टी शर्ट पहनना था बर्थडे के दिन। फिर पापा को बर्थडे गिफ्ट पूजा पे ही दे दिया, और फिर उसने हम लोगों की बातें सुन ली कि टीका कौन लगाएगा, घर में कोई बड़ा नहीं है, तो उसने बोला कि चलो बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं तो मम्मा मैं लगा दूँ। स्टडी नहीं लिख रहे, आई एंजॉय स्टडी विथ यू तो टीका लगाते लगाते उसके बचपन का पूरा फाती दिमाग एक्टिव हो गया, उसने एन लिख दिया, एन फॉर निशांत पापा का नाम है और एन फॉर निरुक्त उसका नाम है। तो बहुत हंसी आ रही थी देख के, तो फिर इन्होंने मिटवाया भी नहीं कि रचित ने इतने प्यार से लगाया है टीका। पहले एन मिटाइए, रचित ने एन लिखा, पूरा पसीने से बह रहा, पसीने से बह रहा। पूरा सेट है यूट्यूब का, माइक भी है, क्या बात करती है इसका यूज़ नहीं नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी है सर, ये सब करना है, मेरा काम चल जाता है वो सब से। उसको दिया होगा सर सेट करना, इधर देखे ना फोटो, ये तीन से नीचे बटे हुए हैं। कहते हैं ना देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक तो संडे का काम, ऊपर से बर्थडे, बगल में सामान खुला हुआ, और रचित के स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला जिसको मैंने सोचा था कि वो रचित ही बनाएगा, बट इतना मोटा गत्ता रचित काट नहीं पाता तो मैंने सारा कटिंग किया, और जब तक वो कटिंग कर रही थी तब तक चिमनी सर्विस करने वाला आ गया, उसने पूरी चिमनी क्लीन की, उसके लिए उसको सारे सामान देने थे, गर्म पानी और बहुत सारी चीज़ें तौलिया। तो उस दिन ना ऐसा लग रहा था बर्थडे के दिन कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, बगल वाले घर का काम करूँ या फिर चिमनी क्लीन कराऊँ या रचित का प्रोजेक्ट बनाऊँ या फिर बर्थडे की तैयारी करूँ, कुछ सब कुछ मिक्स हो गया था। तो बिल्कुल मशीन की तरह इधर से उधर दौड़ रही थी, तो उधर जब तक चिमनी साफ़ हो रही थी मैंने फटाफट से रचित के लिए गत्ता काट लिया। हालांकि रचित ने बहुत कोशिश की बट मुझे ही डर लग रहा था कि कैंची या चाकू वो चलाएगा तो कहीं हाथ ना कट जाए, क्योंकि ये बहुत मोटा गत्ता था। मैंने सोचा था कि थर्मोकोल पे बनाएंगे, पर स्कूल से मैसेज आया कि आपको बहुत अच्छा सा मॉडल बना करके भेजना, तो मॉडल हमेशा गत्ते से काट करके अच्छा बनता है।
तो मॉडल बेसिकली रचित को टॉपिक मिला था नॉइस पॉल्यूशन पे, तो मैंने मॉडल में रचित ने मुझे आइडिया दिया कि एक अर्थ बना दो और एक लाउड स्पीकर बनाना है, तो मैंने उसको कट करके दिया, फिर उसने आइडिया दिया और हम दोनों ने मिलके एग्जीक्यूट किया। तो ये अर्थ के लिए सर्कल काटा और एक लाउड स्पीकर ड्रॉ करके लाउड स्पीकर काटा, और अभी सामान इतना सारा मेरा आया हुआ ना कि मेरे पास इजीली अवेलेबल गत्ता था अभी। इसकी वीडियो मैंने शेयर की है आप लोगों से कि कैसे बनाना है प्रोजेक्ट स्कूल का, लाउड स्पीकर और अर्थ, अर्थ को कैसे बनाए कि अर्थ थोड़ा उभरा उभरा सा लगे, अच्छा लगे, वो आप चाहें तो देख सकते हो अगर आपको अपने बच्चों के लिए बनाना होगा तो। और शाम तक ऐसी एग्जॉस्टेड हो गई ना कि जाने की इच्छा नहीं हो रही थी कहीं, बट वही है कि बर्थडे था तो इंस्टेंट मैंने लगाया पील ऑफ मास्क, ये ऑरेंज पील ऑफ मास्क आता है, जब खुद के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता और काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ये इंस्टेंट वाला मुझे, मैं एक छोटा ट्यूब रखती हूँ तो मैंने इसको लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, और ये पील ऑफ मास्क काफ़ी अच्छा होता है, आप इसको निकालिए तो स्किन एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है और समय कम लगता है, तो बस निकलना था तो मैंने यही लगाया। और सारे लोगों जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पर उन सबको बोल दिया था, सब लोग इकट्ठा एक लोकेशन हमने डिसाइड कर लिया था, रास्ते में मुझे केक ख़रीदना था, कोई भी डेकोरेशन तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर घर पे करते हैं ना तो गेम्स खेलवाती हूँ मैं, डेकोरेशन होता है, पूरा पार्टी होती है, बट बाहर में सारी चीज़ें फॉर्मल सी हो जाती हैं, आपको बस जाना है बैठ के बातें करिए और खा करके आइए। हालांकि कभी कभी मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगती है क्योंकि कोई सर्व करके खिला रहा होता है ना तो ये बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। अरे तीन दो पाँच वो लोग हैं तो पहुंच गए होटल, ये मोती महल डिलक्स होटल है, काफ़ी अच्छा है, और अभी सावन चल रहा है तो प्योर वेजिटेरियन खाना था, तो वैसे तो यहाँ नॉन वेज भी मिलता है पर हमारा डिसाइडेड था कि हम प्योर वेज खाएंगे, तो सारे लोग सब लोग खिलाओ मत, मेरी बुआ के बच्चे और सब लोग आए थे, सारे लोगों ने वेज ही खाया और खाना काफ़ी टेस्टी था यहाँ का, साथ में हम केक लेकर के भी आए थे। और रचित बैठते ही थोड़ी देर में कब आएंगे, सब लोग कब आएंगे, सब लोग अलग अलग गाड़ियों से आए थे, और यहाँ की लाइटिंग मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, बस ये लग रहा था काश मैं ऐसा कुछ घर पे कर पाती, बट वही है सरकारी मकान में तो कर भी लेते हैं, प्राइवेट में तो आप किसी और के रेंट के मकान में रह रहे हैं तो इतना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। रुको रुको ना, हम खिला रहे, दो ना, पहले कहाँ सर्व करवा देगा ना खाने के बाद, चुहाना खाई लो भाई फोटो, इसको दे दीजिए, ईशा को दे दीजिए, ऐसे हाथ तुम तो दिख नहीं रही है, जल्दी बैठ नहीं पा रहे हैं, हमारी फोटो ले जाएगी, क्या बात कर, ये और ईशा ले लीजिए, हमारी तो जरूर आएगी, लो इसे लो ईशा, मैं के पास तो पति ऐसे खिला देगा, सभी की चाहिए ऐसे, अरे अकेले खिंचवा नहीं भाई, मैं अकेले खिंचवाऊंगा, तो बहुत अच्छा रहा बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम भी स्पेंड करो तो वो मेमोरेबल हो जाता है, इंजॉय करते हैं सब लोग जब साथ में होते हैं। आपको ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।